वहीं बीजेपी विधायकों ने भी आज गैंडसैंड में पेश होने वाले बजट को समावेशी बजट करार दिया है। थराली से बीजेपी के विधायक भूपाल राम टमटा और कर्णप्रयाग से विधायक अनिल नौटियाल ने बजट सत्र पर राय साझा की। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं, उद्यमियों, इसके साथ ही काश्तकारों समेत हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जरूरी करार दिया। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बजट सत्र भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में आहूत किया और निश्चित रूप से ये बजट सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बजट होगा। जैसे उत्तराखंड निर्माण के समय उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थी उसके अनुरूप ही निश्चित रूप से ये बजट होने वाला है। हम लोग बस 2 बजे बजट प्रस्तुत होगा, उसकी इंतजारी में है और हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि सभी क्षेत्रों के विकास के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया होगा। निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अच्छा नहीं है। भराड़ीसैंण जैसे स्थान पर, इतने बेहतर स्थान पर इस प्रकार की जो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारी विधानसभा की माननीय अध्यक्षा जी ने जो ये बजट सत्र रखा था, ऐसे मौके पर क्षेत्रीय विधायकों का अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने इसमें इस प्रकार की मंशा उनकी नहीं रही है, लेकिन मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ।